What is autoradiography and how can it be used to detect abnormal genes? Doubt hai? अच्छा, तो इसके अंदर लिखेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में. देखिए, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, लिखो अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए tagged with radioactive molecule, a single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule, जिसे हम बोलते हैं probe, radioactive molecule, जिसको हम बोलेंगे probe, is allowed to hybridize with its complementary DNA in a clone of cells. Followed by detection using radioactive, followed by detection using autoradiography. That is in a clone of cells. तो मान लो ये एक डीएनए है जिसके अंदर तुम्हें जेनेटिक डिफेक्ट ढूंढना है, तो तुम क्या करोगे? इसके तुम्हें पता है ये आइस का डीएनए है, मान लो आइस का जीन, तो तुम्हें पता है आइस का जीन तो सब में सेम होगा क्योंकि वर्क ही तभी करेगा जब आइस के नॉर्मल प्रोटीन्स होंगे. तो उसी के हम प्रो, उसका एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लेके आएंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब्स लेके आएंगे. प्रोब अगेन रेडियो एक्टिव होगा और वो उन्हीं जीन को कंटेन करता है जो जो हमारे नॉर्मल आइस के प्रोटीन की कॉम्प्लीमेंट्री है. बस डिफरेंस ये है कि ये वाले रेडियो एक्टिव है, ये वाले क्या है? प्रोब वाले क्या है? रेडियो एक्टिव. तो इनसे रेडियो एक्टिविटी आ रही है. तो जो हमारा जीन है उसके साथ उसको हाइब्रिडाइज कराने दिया जाएगा. तो ठीक है, ये वाला पार्ट हाइब्रिडाइज हो गया, ये वाला पार्ट भी हाइब्रिडाइज हो गया. ठीक है, ये यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, यहां पे हुई और यहां पे हुई. तो पॉइंट इज दिस, रेडियो एक्टिविटी हमें हर रीजन से आ रही होगी, पर उस रीजन से रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रही होगी जहां पे एबनॉर्मल जीन है. सपोज यहां पे जी ए ए है और हमारा नॉर्मल जीन होना चाहिए था यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था सी टी, यहाँ पे होना चाहिए था सी. मतलब ये नॉर्मल का प्रोब लाओगे तुम, जो लैब में लाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं उस इंसान का कौन सा जीन खराब है, तो तुम तो नॉर्मल वाले लाए थे प्रोब, पर तुम नॉर्मल था सी टी सी, तो यहाँ पे होना चाहिए था जी ए जी. ठीक है, पर यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हो रही, इससे ये प्रूव हो गया कि ये वाली साइट पर जीन में डिफेक्ट है. यानी इंसान का जो जीन है कहां पे, इसके डिफेक्ट आ रहा है, इसका डिफेक्ट वहीं पे आ रहा है जहां पे वो हमारे प्रोब के साथ क्या नहीं हो रहा, बाइंड नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोब तो नॉर्मल था. तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां पे जीन डिफेक्ट है. तो इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए लिया जाता है और आरएनए इज टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब उसको उसके साथ रखा जाता है और उसको हाइब्रिडाइज करने दिया जाता है. एंड इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स में ऐसे किया जाता है, एक सेल से नहीं, हम बहुत सारे सेल्स लेंगे तो सब में ज्यादा बेटर डेटा मिलेगा हमें. एंड फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑडियो और ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब इसमें हम जो रेडियो एक्टिव रेज को मेजर करते हैं वो कौन सी टेक्निक से करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी. तो इसके अंदर लास्ट पॉइंट लिख लो, द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपियर ऑन दी
फोटोग्राफिक फिल्म द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म. फोटोग्राफिक फिल्म माने वो जिसमें हम डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी को. क्लोन माने अच्छा बिकॉज इसके आगे एक और लाइन लिख लो बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव बिकॉज द प्रोब जो कि हम प्रोब ले रहे हैं विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी टू द म्यूटेटेड जीन क्योंकि प्रोब में हमारे पास कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होगी. प्रोब तो हमें नॉर्मल लिए होंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा म्यूटेटेड जीन. नॉर्मल का रेडियो एक्टिव भी है जो नॉर्मल जीन होता है उसका. ठीक है